ये रिश्ते है प्यार के में हो चुका है अबीर और मिश्री का संगीत, जिसके बाद इन दोनों को चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते देखा जाएगा। मिश्री अबीर से मिलने चाय की टपरी पर आएगी, जहां चाय वाले की जगह अबीर ही चाय बना रहे होंगे, पर मिश्री उसे बिना देखे ही पहचान लेगी। जैसे ही अबीर मिश्री को चाय देने आएगा, मिश्री उसका हाथ पकड़ लेगी। मिश्री को अबीर थोड़ा अपसेट लगेगा, मिश्री उसे टेंशन ना लेने को कहेगी। अबीर मिश्री से कहेगा कि जो कुछ भी संगीत में हुआ नहीं होना चाहिए था। मिश्री उसे रिलैक्स करने को कहेगी, पर अबीर टेंशन में ही रहेगा, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक रोमांटिक डायलॉग देखने को मिलेगा, जब अबीर मिश्री को अपनी ओर खींच लेगा। आइए जानते हैं अबीर से इस रोमांटिक मोमेंट के बारे में। बिल्कुल, अबीर को लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल रहा है आज का दिन, तो मिश्री से एक बार बात करनी चाहिए। वो उसको मिश्री पे ध्यान भी नहीं दे पाया, घर में काफ़ी एक दो इंसिडेंट्स हो गए, तो वो कोशिश कर रहा है थोड़ा मिश्री पे भी ध्यान देने की। एक्चुअली चाय और अबीर मिश्री का बहुत पुराना रिश्ता है, वो अक्सर टपरी पर बैठ के चाय पिया करते थे साथ पे, तो अबीर को लगा शायद चाय वाला बन के आऊँ तो वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। आया, कुछ अलग करने को मिला थोड़ा, मतलब आप रोज़ अबीर तो मैं रोज़ ही प्ले करता हूँ, अभी भी अबीर ही चाय वाला बना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अलग फ्लेवर मिला उसमें। बिल्कुल रोमांटिक सीन था, अबीर मिश्री थे और चाय की टपरी थी, तो ऑफ कोर्स ये किसी डर की वजह से नहीं, ये कुछ किसी से छुपने की वजह से नहीं, लेकिन वो एक कुछ यादें ताज़ा करने के लिए, उनको स्पेशल फील कराने के लिए ऐसा कर रहा है अभी। ऐसा कुछ नहीं था, मगर थोड़ा टोन पकड़ने की कोशिश की थी। जब वो कहती हैं कि हम फंक्शन में पूरा दिन बिजी थी, कुछ खाया नहीं, तो हम कहते क्या कहा था, एक कौन से फंक्शन पे गई थी आप मैडम जी, आपसे खाना तक नहीं पूछे, कैसे कैसे लोगन थे ये ऐसा कुछ कहा था।